रामपुर में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रोली में टक्कर मारी और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। साथ ही इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। थाना सिविलाइन इलाके के दिल्ली लखनऊ हाईवे 24 का पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामपुर की ये घटना, सड़क हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये बड़ा हादसा, दरअसल रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रोली में टक्कर मारी जिससे सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली लखनऊ पर एक ट्रैक्टर ट्राली से 2 बसें टकरा गईं, जहां पर कई लोग चोटिल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा है। और अब ट्रैक्टर को बसों से अलग करने की कवायद की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रा की मदद से जो ट्रैक्टर है जिसमें लकड़ी भरी हुई है, और ये ट्रैक्टर यहाँ से गुजर रहा था कि 2 बसें अचानक से इस ट्रैक्टर में टकरा गईं, जिससे बुरी तरह से हादसा हो गया और दोनों बसें एक जगह ही फंस गईं। हालांकि बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने यहाँ पर आकर दोनों बसों में फंसे यात्रियों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला है और घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। अभी तक अगर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। हालांकि चौकी प्रभारी और कोतवाल के टीम ने ही सारे घायलों को तत्परता दिखाते हुए बसों के अंदर से शीशे तोड़कर बाहर निकाल लिया है और उपचार के लिए भेज दिया है। थोड़ी देर में अब जो यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, अब जाम भी खुल जाएगा, क्योंकि हादसा होने के बाद जब हाइड्रा और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस पूरे कामकाज में लगे, तब काफी दूर तक 1-1 किलोमीटर तक जाम लग गया है। आप पूरब दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर बरेली दिशा से आने वाले वाहन अभी जाम के शिकार हैं, और पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनके वाहन हैं वो अभी जाम की कतार में खड़े हुए हैं।